हेलो एवरीवन, आज हम बनाएंगे चिकन तंदूरी बिना ओवन या तंदूर के। इसे बनाने के लिए हम लेंगे दही, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, अदरक लहसुन का पेस्ट, नमक। फिर हम लिए हैं थोड़ा सा बेसन, कसूरी मेथी, तेल, फूड कलर, और नींबू। अभी मसाला बनाएंगे चिकन मैरिनेट करने के लिए। यहाँ मैं ली हूँ दही, थोड़ा सा बेसन, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट, कसूरी मेथी, नमक, फूड कलर, गरम मसाला और आधा काटा नींबू इसमें निचोड़ लेंगे। अभी हम इसे मिलाकर थिक पेस्ट बना लेंगे। इसे हम अच्छे से मिला दिए हैं। मसाला लगाने से पहले चिकन हम अच्छे से धोकर ऐसे काट लगा लेंगे ताकि जब हम मसाला डालें इसमें वो अंदर तक पहुंच सके। अभी हम इसमें जो मसाला का पेस्ट बनाए हैं इसे हम अच्छे से लगा लेंगे। इसे हम दोनों साइड सप्लाई कर लेंगे। मसाला डाल के थोड़ा देर के लिए रख देंगे ताकि ये अच्छे से मैरिनेट हो जाए। अभी हम एक कढ़ाई में तेल गरम कर लेंगे। जब ये गरम हो जाए इसमें डालेंगे मैरिनेट किए हुए चिकन और इसे धीमी आंच में थोड़ी देर के लिए पका लेंगे। जब ये एक साइड पक जाए इसे दूसरा साइड पलट कर पका लेंगे। इसे अच्छा से पकने के लिए थोड़ा देर के लिए कवर करके छोड़ दें। यह अच्छा से पक चुका है। अभी हम थोड़ा देर के लिए आग में दोनों साइड से सेक लेंगे। तंदूरी फ्लेवर देने के लिए गरम कोयला में तेल डालकर थोड़ा देर के लिए ढक कर रख दें और तैयार है चिकन तंदूरी। अगर आपको यह रेसिपी पसंद है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।